सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर हम सुरजीत मलिक के डेयरी फार्म पे हैं उमरा गांव में, और काफ़ी शानदार, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, पशुपालक हैं और बहुत ही अच्छे पशु रखे हैं। सामने आपको जोटी दिखाई दे रही है, ये भी बहुत बढ़िया दूध वाली जोटी है, और भी काफ़ी सारे पशु हैं जो इनके पास बिक्री के लिए भी हैं और कुछ घर पे रखने वाले भी हैं। तो सारे पशुओं के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें, और जो भाई हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी मलिक साहब से बात करेंगे, डिटेल से हर पशु के बारे में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी मलिक साहब। नमस्कार जी सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पहुँचने पे हार्दिक स्वागत है। तो मलिक साहब, ये एक नंबर पे जो जोटी बंधी हुई है, ये अपने सेल के लिए है या घर की है? घर के लिए है, ड्राई अभी है। अच्छा, छः महीने की अपन हो गई है। हाँ हाँ, और साढ़े सात आठ महीने की ब्याई है। हाँ हाँ, और 8% 15 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, 15-16 लीटर दूध अभी दे रही है। अभी दे रही है, और ताजरी इसने 24 किलो दूध दिया है। इसका नाम भी वैसे हमने रूपा टू रखा है, रूपा टू। अच्छा, रूपा टू। हमारे पास एक रूपा वन जोटी है जो आपने पिछले साल वीडियो में दिखाई थी। हाँ हाँ, तो ये उससे मिलती जुलती है और इसकी नेचर भी रूपा वन के जैसी है, तो इसलिए रूपा टू हमने इसका नाम रखा। ठीक है ठीक है, तो 24 किलो दूध ताजी ब्याई ये जोटी देती है। लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया, और ये देखिए अभी 15 किलो दूध, 6 महीने की प्रेग्नेंट, बहुत ही बढ़िया। और आगे एक जोटी और जो कि बहुत ही शानदार है दूध की, तो ये कौन से ब्यांत में है जी? ये सेकंड पे है जी। हाँ हाँ, और अभी 10 दिन की ब्याई होगी। हाँ हाँ, 4 दांत है। हाँ हाँ, और 8% 21-22 किलो दूध इसमें तैयार है, मैला नहीं लगे अभी। अच्छा, 21-22 अभी तैयार है। पहले ब्यांत में इसने 18 किलो दूध दिया है। तो साथ में इसके कटड़ा है कि कटड़ी? इसके कटड़ा है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये अग्रेसिव पना दिखा रही है, ये क्या रीजन है? ये डाइयों से ली हुई है। अच्छा, खेतों में से ली हुई है? खेतों में से ली हुई है, तो वहाँ पे बंदे लेडीज संभालती थी, इसलिए थोड़ा ऊपर बड़ी करती है थोड़ा। ठीक है, इसको खोल के दिखाना भाई। बेटा खोल के। तो भाई वैसे बहुत शरीफ है। अच्छा, दांतों में कैसे है जी? ये 4 दांत है। अच्छा, 4 दांत, 4 दांत तो दूसरी बार भी आएगी। दूसरी बार। ठीक है, तो इसका साथ में कटड़ा है कि कटड़ी? इसके साथ में कटड़ा है, और ये उन्होंने बताया कि BM 370 से प्रेग्नेंट करवाई थी। अच्छा, BM 370 जो कि अच्छा, तो ये देखिए ये कटड़ा BM 370 का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये जोटी जो कि दूसरे ब्यांत में है, 4 दांत है। 4 दांत मोस्टली होती है पहली बार की ब्याई हुई, लेकिन ये शायद खीरी ब्यागी होगी, और पहले ब्यांत में 18 किलो दूध इसने दे रखा है। थोड़ा सा जो चंचलपन दिखा रही है जोटी, वो उसका रीजन ये है कि ये खेतों में से खरीदी हुई है, जो खेतों में एक एक दो दो घर हो जाते हैं, और आदमी वहाँ पे बहुत ही कम होते हैं। जाने वाले देखने वाले गांव में पशु जाता है, तालाब पे चला जाता है, या कहीं दाएं बाएं वहाँ पे आने जाने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन खेतों में जो घर होते हैं वहाँ पे बहुत ही कम आने जाने वाले लोग होते हैं। तो बहुत ही टाइट ऑर्डर की, और जो थनों की क्वालिटी है, चारों थन अलग अलग बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए थोड़ा सा अंदर बच्चे के लिए भाग रही जोटी, ले चलो भाई। और अडर बहुत ही शानदार, बिल्कुल टाइट अडर की, ये देखिए, और पैरों के बीच का काफ़ी चौड़ा अडर है, बहुत ही शानदार। एक जोटी और बहुत ही शानदार, ये कौन से ब्यात में है जी? ये भी सेकंड में है जी, 6 दांत है। अच्छा, 8वें दांत तोड़े अभी। हाँ हाँ, ये 14 दिन की ब्याई होगी। अच्छा, दूध दूध अभी 19 किलो है। 14 दिन की ब्याई में 19 किलो दूध, मैला लग रही है अभी ये। अच्छा, मैला जो कि हमारे हरियाणा में मैला बोला जाता है, और पंजाब में जो है कड़ बोला जाता है, तो कड़ से चली हुई है। तो ये और भी उम्मीद होगी जी इसमें भी दूध की? इससे भी 20 प्लस की उम्मीद है कि 22 किलो दूध दे देगी जोटी। और जो पहले जोटी देखी वो कितने दूध पे चली जाएगी? वो 24-25 किलो दूध पे। 24-25 किलो दूध पे, ठीक है। इसके नीचे फीमेल का है। ठीक है जी, इसका भी पता है फीमेल कौन से बुल की है? ठीक है ठीक है, दिखाना भाई इसको भी खोल के। 6 दांत जोटी दूसरे ब्यात में, 19 किलो दूध अभी तैयार है इसके नीचे भी, और ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल शांत और शरीफ जोटी दिखाई दे रही है।
14 दिन की भी आई हुई, 14 दिन की बताई ना, 14 दिन की भी आई हुई। ये देखिए अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी, इसकी भी जोटी की बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ले आओ, चारों थना अलग अलग, और इसका भी जो आग थनों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ये भी सेकंड की है कटर में। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसको बुखार लग गया था। हाँ हाँ, नीचे फीमेल काफ है। अच्छा, ये कितना? सात दिन की ब्याई होगी। हाँ हाँ, अभी 16-17 लीटर दूध इसमें तैयार है। 16-17 किलो दूध इसमें भी तैयार है जी। साथ में कटड़ी दूसरे ब्यांत की, टाइट अडर की, कल बुखार के कारण थोड़ी सी ढीली ढीली लग रही है भैंस, तो ये भी बढ़िया है जोटी। साथ में कटड़ी, और ये जी एक नंबर पे बंधी हुई। इस जोटी के नीचे 18-19 किलो दूध है, ये लगभग 25 दिन की ब्याई होगी। 18-19 किलो दूध 25 दिन की ब्याई, बहुत शील जोटी है, शांत है। और ये भी टाइट अडर की है, ये भी सेकंड में है, 8वें दांत तोड़ रखे इसने। अच्छा, 8 दांत दूसरे ब्यांत में इसके मेल काफ नीचे। ठीक है ठीक है, इसको भी दिखाना भाई को। दूसरे ब्यांत में 8 दांतों में, दांतों से मिलती हुई 18 किलो दूध इसमें भी तैयार है। तो ये बिल्कुल शांत लग रही है जोटी, बाहर निकलने के लिए भी। ये देखिए अडर इसका बहुत बढ़िया। ले आ भाई वापिस, बिल्कुल छोटे सींग की। ये देखिए ये देखिए कटड़ा भी है मलिक साहब के पास बिक्री के लिए उपलब्ध, इसके बारे में भी पूछते हैं डिटेल से। इसकी क्या ब्लड लाइन है जी? ये अपने पास जो रानी भैंस 27.5 किलो वाली, हाँ हाँ, उसकी बेटी नैना थी। हाँ हाँ, और नैना की एक कटड़ी कोई मेरा कुलजीत सिरसे का दोस्त वो ले गया था। हाँ हाँ, तो उसके पास ये उस कटड़ी का जोटी का कटड़ा पैदा हुआ है। हाँ हाँ, 29M का इसका जो फादर है, 29M की है, का बेटा है का बोले ये। हाँ, तो उसने वहीं पे उसकी छोटी कटड़ी लिया था मेरे पास से, तो हाँ, तो सिमन ने वगैरह कराया, तो वहाँ पे कटड़े का ट्रेडिशन खास है नहीं। हाँ, तो उसके पास फिर मैं लिया था ये। हाँ, दूध कितना दिया इसकी माँ ने? इसकी माँ ने 23 लीटर दूध दिया जी। 23 लीटर दूध दिया। दांतों में कैसे है जी? दांत 4 हो गया जी, 4 दांत बुल, बिल्कुल छोटे सिंह का। ये देखिए, और 4 नहीं 2 दांत है। अच्छा, 2 दांत, 2 दांत है, ठीक है, 2 दांत है, और बिल्कुल छोटे सिंह का। हाइट लेंथ अच्छी है, ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है, पूंछ बिल्कुल बिल्कुल काली है, शायद कोई भी वाइट बाल नहीं है, और हाँ ले चलो इसको अंदर। तो 2 दांत है कटड़ा, ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हाइट लेंथ, पीठ पुट्ठा सब बढ़िया। और ये भैंस आपके पास शायद घर पे रखी है जी? ये बहुत पुरानी बिठाई है जी अपनी महालक्ष्मी। अच्छा, अभी ये 2 महीने बाद गाविंग करेगी। हाँ हाँ, और लगभग ये 24-25 किलो दूध रूटीन में देती रहती है महालक्ष्मी। 24-25 किलो दूध देती है, अभी 10वीं बार गाविंग करेगी। अच्छा, 10वीं बार बच्चा देगी, ठीक है जी। और भी मैं आपको पशु दिखाता हूँ। ये अपनी रानी, रानी जो कि अपने टाइम में 2012 से लेकर 14-15 तक काफी इसने अच्छा दूध दिया है, 27-27 किलो। हाँ हाँ, अभी इसके पिछले 2 साल से थोड़ी बीमारी आ जाती है, जिसकी वजह से हम वो प्रोडक्शन इसकी नहीं ले पा रहे। ठीक है जी, इसके ये ले लेते हैं, काफ लेते हैं। ठीक है, काफ लेने के लिए रखी है बस, ब्रीडिंग के लिए रखी है। 27 किलो, 27.5 किलो दूध इसने दिया है जी। तो ये जूली, ये जूली अपनी, हाँ हाँ, जो ड्यूटी कभी नहीं है, इस बार ये काफी के दौरान थोड़ी बीमार हो गई थी। हाँ हाँ, और उसकी वजह से फास्फोरस वगैरह की डेफिशिएंसी होने से थोड़ी रेडनेस बॉडी में आ रही है। ठीक है ठीक है, फास्फोरस की कमी के कारण रेड होगी शायद इस बार। अभी ये 1 महीने की ब्याई होगी। अच्छा, अभी दूध कितना दे रही है जी? ये दूध दे रही है 20 किलो के आसपास। 20 किलो के आसपास। तो ये जोटी मैंने आपको मेले में भी दिखाई थी, कुंगड़ मेले में, जहाँ पे ये शायद दूसरे नंबर पे रही थी। दूसरे नंबर पे, तो उस टाइम पे ड्राई कैटेगरी में पार्टिसिपेट, ब्यूटी कंपटीशन में थी, और जो सिंगवा गांव में कंपटीशन हुआ था उसमें भी बहुत ही अच्छा कंपटीशन लड़ा था। ये कौन? ये हमारी रूपा है,
रूपा, ये बिल्कुल रूपा टू से मिलती जुलती है। बाई नेचर बहुत अच्छी होती है। ये कितना दूध देती है जी? ये भी 23-24 किलो दूध देती है। ठीक है ठीक है। इस बार ये थर्ड काउंटिंग करेगी, 2 महीने बाद ये 2 महीने बाद बच्चा देगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और साथ में ये कुछ कटड़ियाँ भी हैं, ये भी सेल के लिए हैं जी अपने पास? ये अपने पास 5-6 कटड़ियाँ हैं सेल के लिए। तो ये कुछ कटड़ियाँ हैं मलिक साहब के पास सेल के लिए, तो जो भी पशुपालक भाई कटड़ियाँ लेने का इच्छुक हो तो वो भी संपर्क कर सकता है मलिक साहब से कटड़ियाँ लेने के लिए। ये देखिए, तो ये चार कितने कटड़ियाँ हैं मलिक साहब आपके पास सेल के लिए? पास भी 5-6 कटड़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ भाइयों की शिकायत होती है कोई ये कटड़ी ले आके सेल करते हैं। हाँ हाँ, कटड़ी ले आके सेल करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ हाँ, ये वो कटड़ियाँ हैं जो हमारे पास ही, जैसे दिल्ली गुड़गांव के जो हमारे मित्र हैं। हाँ हाँ, वो पैसे जो लेके जाते हैं 22-23 हाँ वहाँ पे जनरली कटड़ी नहीं पाड़ते लोग। हाँ हाँ, वो साल की सवा साल की कटड़ी सेल आउट कर देते हैं। बिल्कुल, कई बार 8-10 दूध चट्टी बेच देते हैं। बिल्कुल, तो हमारे को उनको अच्छा रेट मिल जाता है और हमारे को अच्छी अपनी ही ब्रांड वाली कटड़ी मिल जाती है, इसलिए हम उसे अपने पास ले आते हैं और अपने बाय को आगे बेचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वही कटड़ियाँ हैं जो यहाँ से पशु बिक के जाते हैं। और जो पशुपालक भाई कटड़ियाँ पालने के इच्छुक नहीं है दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों में, क्योंकि वहाँ पे एक एक पशु रखना मुश्किल हो जाता है और कटड़ी पाल के तैयार करना और फिर बच्चा लेना तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो पशु हैं सामने आपको वीडियो में, तो 4 दांत जोटी, 6 दांत जोटी, 8 दांत जोटी और कुछ कटड़ियाँ भी दिखाई दी। तो आप हमें नीचे स्क्रीन पे मलिक साहब का नंबर भी चल रहा है, तो जो भी पशुपालक भाई ये भैंसे या कटड़ियाँ लेने के इच्छुक हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।